भिवानी में आज बीजेपी द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह, भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ व भवानी खेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि भी उपस्थित थे। बता दें कि कार्यक्रम में सभी नेताओं ने बाबा साहब को नमन किया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बाबा साहब को हमेशा याद किया जाता है, आज उन्हें याद करने के लिए ही सभी यहां एकत्रित हुए हैं। इस मौके पर प्रदेश में किसानों द्वारा उनकी पार्टी के नेताओं के विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह का विरोध गलत है। धनखड़ ने कहा कि किसान अंदेशा लगाकर विरोध कर रहे हैं, जबकि उनका अंदेशा सत्य से परे है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे भी आज बाबा साहब को नमन करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज भी बाबा साहब को याद किया जाता है। संविधान निर्माता के बनाए गए संविधान की शपथ लेकर कुछ अधिकारी आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी उस कसम को भूल जाते हैं। पूरे प्रदेश में नहीं, आज देश और दुनिया के बहुत से बड़े हिस्से में मनाई जाती है। और जो भी देन है डेमोक्रेसी के अंदर, जिस महापुरुष ने इस संविधान को लिखा हो, जिसके तहत आप और हम सब खुली हवा में सांस लेते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, राजनीतिक सेक्टर का आदमी हो, किसी भी चीज़ का हो, सामाजिक ताना बाना जिस प्रकार उन्होंने बनाया, ये एक दुनिया में पहला उदाहरण है। इसलिए हम केवल भिवानी में नहीं, इसके बाद दादरी भी, महेंद्रगढ़ भी, बहुत से गाँव में भी मेरा प्रोग्राम है और हमारे पार्टी के दूसरे नेता भी यहाँ आएंगे। हम केवल भिवानी में नहीं, हर जगह मना रहे हैं। इतने सालों के बाद भी हम मूल संविधान को छेड़छाड़ नहीं करते, उसी संविधान की कसम खा के हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और देश का आम आदमी इस संविधान की कसम लेकर जो आगे बढ़ता है वो और आगे बढ़ता है। आपने कहा कि कसम जरूर लेते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद जो है उन पर खरा नहीं उतरते, संबोधन में भी कहा आपने। हाँ बिल्कुल, कई बार हम आप और हम सब देखते हैं कि संविधान की कसम खाकर भी हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। आपने बड़ी पंचायत में जो है आवाज उठाई थी किसानों की, किसान वाली सर, किसान वाली सर, उसमें विसंगति नहीं है क्या जो आपने? ये सरकारी तौर पर मनाई गई है पार्टी के तरफ से, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेरित करी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रही है और ये कार्यक्रम 11 से शुरू हुए हैं तो अभी तक 25 तक चलेंगे। संविधान निर्माता के रूप में एक अवधान के रूप में एक आपका विशेष सर, आज भिवानी के कार्यक्रम में सहभागी हुआ, अभी दोपहर बाद रोहतक में भी बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम में खुद सहभागी हुआ। जगह जगह नेताओं का जो है वो विरोध हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे सरकार कैसे काम कर पाएगी अगर नेता फील्ड में नहीं जा पाएंगे? मंत्री लोग जा रहे हैं, संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, अपना कार्यक्रम अपनी बात नहीं, अपने कल को मान लो मजदूर संगठन कोई किसी मुद्दे पर आंदोलन थोड़ी थोड़ी नीचे करी आएगी, बाकी कोई कार्यक्रम करेगा नहीं तो क्या उचित होगा? परसों व्यापारी संगठन कोई आंदोलन करते हैं और कहीं कोई भी दूसरा अपना कार्यक्रम नहीं करेगा तो क्या उचित होगा? तो किसान जत्थेबंदियाँ भी जो अपना आंदोलन कर रही वो कर रही है, लेकिन किसी दूसरे कार्यक्रम को रोकना वो किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, उचित नहीं है। वैसे भी जो किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है वो अंदेशे पर आधारित है। अंदेशे का मतलब होता है कि आगे का भय कि पापा कार मत लेना, एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी ये कानून लागू हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको कहते हैं अंदेशा। लेकिन इन कानूनों के बारे में 11 बार बैठक हुई, एक भी धारा में बदल की बात कोई किसान जत्थेबंदी या किसान संगठन नहीं बता पाए, केवल एडिशन बताए दो कि
कि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, रेस्टोरेंट के साथ साथ कोर्ट को भी जाने की सुविधा दे दी जाए। किसी धारा में आपने सुना हो, पढ़ा हो, 35 में, 36 में, 38 में इसमें बदल कर दो, नहीं। इसके अलावा तीन अलग बातें की कि पराली वाला जो कानून बनने जा रहा है उसमें सुधार की बात की, बिजली वाले कानून में सुधार की बात की, और एमएसपी की बात एमएसपी की गारंटी के बाद किसान जत्थेबंदियाँ करते हैं। अगर पूरे देश का सारा अनाज खरीदना हो तो 17 लाख करोड़ उतनी बजटीय व्यवस्था नहीं है। अभी 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके देश का अनाज खरीदा जाता है, और जिसमें से सर्वाधिक पैसा हरियाणा और पंजाब में आता है, लगभग 1 लाख करोड़। अगर इतने पैसे में गारंटी दे दी गई तो उससे हरियाणा और पंजाब के किसान को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो सारे देश में बट जाएगा। तो 17 लाख करोड़ की तो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 35 लाख करोड़ में से आधा पैसा केवल अनाज की खर्च होना, उसका व्यवस्था बनना, ये कोई आसान काम नहीं है। एक आम आदमी भी अपने घर पे जब अनाज खरीदता है तो 12 महीने की तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह लगाता है। 6 महीने की तनख्वाह अगर अनाज पर खरीदने पर लगने लग जाए तो फिर उसका अपना घर का बजट, बच्चों की पढ़ाई का है, बिजली के बिल का है, गाड़ी के पेट्रोल का है, तो देश की बजट की व्यवस्था भी इसी तरह की है कि पूरे अनाज की खरीद के लिए 17 लाख करोड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है। नहीं तो हर कोई चाहता है कि देश के किसान का भला हो, पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो रहा, एक एक दाना खरीदा जा रहा है। किसान को बाजार भी चाहिए और सरकार भी चाहिए। बाजार का मतलब यह है जैसे सरसों आकाश में गई हुई है, अच्छे भाव मिल रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन वो बाजार के कारण गई। जब पिछले साल सरसों के भाव अच्छे नहीं मिल रहे थे तो सरकार ने मंडी में MSP पर सरसों खरीदी थी। तो ये सरकार है मंडी के अंदर, और मंडी से बाहर बाजार है। अभी कपास जब कम दाम थे तो सरकार खरीद रही थी, CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जब दाम बढ़ गए तो बाहर दाम ऊँचे हैं। तो ये जो कुछ जत्थेबंदियाँ बाजार का विरोध कर रही हैं, एक तरह से वो किसानों को कठिनाई में डालने की बात करती हैं। केवल मंडी ही ये ठीक नहीं है। एक गलत बात भी मैंने कल एक किसान ने ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।